are you? It's one part of it. We have 71 of them, sir. देखिए आप लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जनता को भी और इस साल का जो आप लोग तो पता होगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 ईयर्स के बाद 75 ईयर्स हम लोगों ने मना रहा है और 2047 को अमृतकाल 100 ईयर्स तो 100 ईयर्स में अपना जो भारत सरकार और या राज्य सरकार की जो विजन है जो रोड मैप है कि भारत विकसित होना है, विकसित भारत होना, तो उसके लिए इस बार का टीम से कि विकसित युवा विकसित भारत, तो इसमें अधिक से अधिक हमारा युवाओं को हर क्षेत्र में जोड़ने का, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल तक, ताकि कोई भी डिसिप्लिन में कोई भी फील्ड में युवाओं को विकसित बनाना, विकसित भारत विकसित युवा बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया हुआ है। तो इस बार 27 नेशनल यूथ्स फेस्टिवल 2024 का जो महाराष्ट्र नासिक में होने जा रहा है, तो अपना प्रदेश से हमारा जो डिपार्टमेंट से हमारा ये सेक्रेटरी या हमारा अबू तायंग जी और हमारा डायरेक्टर, हम सब अपना विभाग से हम लोग पूरा मिलकर यहाँ का युवाओं को हम लोग 71 लोग को यहाँ से पार्टिसिपेट करने के लिए भेज रहा है और हर डिसिप्लिन से जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि ये लोग जाकर अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जिस डिसिप्लिन को पार्टिसिपेट करने जा रहा है वो जरूर जीत के आएंगे और अपना प्रदेश का लोगों को बहुत ही नाम ऊँचा, अरुणाचल प्रदेश का नाम ऊँचा लेकर आएंगे। इसके लिए हम लोगों ने डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, हम सब मिलकर अभी बांस को फ्लैग ऑफ करने जा रहा है, ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी है, तो इसलिए हम लोग आए हैं। और हमारा तरफ से आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारा युवा जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मैं बेस्ट विशेष और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, जो ये बस फ्लैग ऑफ हो रहा है, क्या पार्टिसिपेंट बस से जाएंगे ना कोई अलग उनका वो है ट्रांसपोर्टेशन? देखिए यहाँ से अब ईटानगर तक तो रेल आया नहीं, अभी तक नारलगन तक है, यहाँ से तो रेल स्टेशन तक वो जाएगा, वहाँ से रेल से उन्होंने चले जाएंगे। सर, जहाँ तक पार्टिसिपेंट का बात है, कल कैपिटल न्यूज़ की तरफ से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया था तेची सोनू को, जो ये 22nd नेशनल पैरालंपिक उसमें स्पोर्ट में जो हमारे पारा एथलेटिक्स है वो लोग जाने वाले हैं, उसका एक ऐसा एक उसका एक बात था कि जो डिपार्टमेंट का तरफ से जो उनका रीइंबर्समेंट या फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट अभी तक नहीं मिल रहा है, मिनिस्टर के तरफ से तो काफ़ी उन्हें मदद दिया है लेकिन डिपार्टमेंट स्पोर्ट डिपार्टमेंट के तरफ से उन्हें अभी तक रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, 4 साल हो गए हैं। उनका ये कंप्लेन था एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्या इंसेंटिव को लेकर रीइंबर्समेंट और जो गवर्नमेंट का तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, जहाँ में भी वो लोग स्पोर्ट जाते हैं, अभी जैसे कि यहाँ में भी यूथ जा रहे हैं बाहर में स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए ये डिपार्टमेंट का तरफ से जो हम प्रत्येक साल को चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे अरुणाचल का ओलंपिक हो, कोई भी खेल का डिसिप्लिन को जो ध्यानचंद का जन्म दिवस को 29 अगस्त को हम पूरे भारतवर्ष में हम उसका जन्म दिवस को हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। उस स्पोर्ट्स डे में हम जितने भी हमारा जो खिलाड़ी है, चाहे वो पैरा ओलंपिक में बोलिए, चाहे ओलंपिक में कोई भी डिसिप्लिन का हो, हम मेडल जो लेकर आते हैं उसका एक क्राइटेरिया है, वो कौन सा इंटरनेशनल का अलग है, नेशनल का अलग है, जोनल का अलग है, अकॉर्डिंगली इसको हम लोग इंसेंटिव भेजते हैं, उनका अकाउंट में डायरेक्ट हम लोग डीबीटी करते हैं। और शायद उन लोग अभी तक तो मेरा पास में कोई क्या समस्या अभी तक हमको मीटिंग तो किया नहीं है, अगर ऐसा कहीं गवर्नमेंट में कहीं डिपार्टमेंट में कहीं लेफ्ट हो गया, कहीं छूट भी गया हो, वो आकर हमसे बात करें, हमने सेक्रेटरी साहब हम दोनों से डायरेक्टर से हम लोग से बताए, हमको जब संवाद नहीं करके बैठ के डिस्कस नहीं करके वो मीडिया में जानता मैं मीडिया में बोल के वो डिपार्टमेंट को बदनाम करके तो मीनिंग नहीं है, पहले हमसे तो आके बात करें समस्या क्या है। हाँ, अगर हम सरकार समाधान नहीं होता है तो तब बताइए,
मेरे को तो अभी तक आया नहीं है। उनको बोलिए मेरे से मिलने के लिए, हमारे सेक्रेटरी साहब को मिलेगा, हमारे डायरेक्टर को मिलेगा, क्या समस्या मैं बताऊंगा, जो जरूर उसको सॉल्व करेगा। उसके लिए तो सरकार है यार, हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसके लिए तो जनता के लिए तो है, हमारा स्पोर्ट्स वेतन नीति के लिए तो हम सब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यहाँ है। और आज तक कोई भी स्पोर्ट्स कोई भी डिसिप्लिन का नहीं बोल सकेगा स्टेट गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट से कहीं सहयोग नहीं मिला हो। हम ऐसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, हम लोग खुद कंटीजन को भी लेकर जाते हैं, हमारा डिपार्टमेंट सेक्रेटरी या तो मैं खुद जाता हूँ या तो डायरेक्टर जाता हूँ, लोगों को ले जाता हूँ। हाँ, और इसमें हाँ ये बात जरूर है कि जो पार्टिसिपेट सबको किया, सब करने वाला को इंसेंटिव नहीं मिलता है। जिन्होंने मेडल लेकर आए हैं, वो गवर्नमेंट का एक रूल है, जिन्होंने मेडल लेकर आए उसके लिए हम लोग इंसेंटिव देते हैं। जैसे कि आपने 37 जो नेशनल हुआ था गोवा में, उसी का तरह से जो अभी पैरा ओलंपिक होने वाला है 22 को, ये कल ही शुरू होगा, उन लोगों को आने जाने के लिए खर्चा नहीं मिल रहा है बोला, तो वो लोग अपना खुद से जुटा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से उससे फंडिंग मिलेगा जब वो वापस आ जाएंगे खिलाड़ी लोग? नहीं, ऐसा है, देखिए वो जो फंडिंग जाने के लिए आने जाने के लिए है, जो खिलाड़ी को बेचने के लिए स्टेट से ऐसा स्पेशल उसको फंड देना बोल के ऐसे प्रबंधन नहीं है। उनका जो डिसिप्लिन है अपना अपना, खिलाड़ी का जो डिसिप्लिन है वो खुद लेकर जाते हैं। हाँ, हम एज ए पर्सनली एज ए हम मदद कर सकते हैं, बात गवर्नमेंट में अभी तक ऐसा हम लोग कोई भी डिसिप्लिन का वो जाने के लिए ऐसा अभी तक फंड नहीं। हाँ, जीत के आने से हम उसका इंसेंटिव देता है। उस दिन जब हम लोग वहाँ गए थे वहाँ पर जब सामने, तभी उसमें बोला था कि जो नेशनल का जो गेम होता है उसमें आने जाने के लिए खर्चा उठाते हैं गवर्नमेंट ना, वो समिट रीइंबर्स करना पड़ते हैं। आप जाने के बाद आप रीइंबर्स समिट कीजिए, तो सरकार उसके लिए फॉर्म भरा हुआ, वो रीइंबर्स करके हम उसको फिर रीपेमेंट करेंगे, रीइंबर्स करेंगे। सर, उसी बात पे ऐड करना चाहती हूँ, उनका यही कहना है कि 4 साल से रीइंबर्समेंट ही नहीं मिला है। 4 साल से रीइंबर्स नहीं मिला तो हमको मिलने के लिए बोलिए।